नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये इनका रेंट का मकान है और माजूर है ये, और सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे उठाएंगे? ड्राइवर को फोन किया, वो आएगा अभी, रिक्शे पे लेके जाऊंगा। अच्छा। वो उसकी मेहरबानी है, कोई रिक्शे पे वो लेके जाएगा बतौर हेल्प। मेरा ये काम है सराय का, बड़ा नाम वो भी, क्योंकि मोहल्ला है, बंद गली है, इधर कोई कस्टमर तो आने का चांस नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, कभी कोई बोले से आ जाए तो उसकी मेहरबानी। और मेरे दो बच्चे हैं, मिसी मेरे की डेथ हो चुकी है। अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरा मिसेज नहीं है, नहीं मिसी नहीं है मेरी, डेथ हो गई है उनकी। और आप ये फिर खुद लेके जाते हैं, रक्षा लगवाया हुआ है आपने, वो लेने आता है आपको और फिर आप इसको भरवाने के लिए लेकर जाते हैं। और बच्चों का सारा जो खाना पीना वो मैं खुद करता हूँ, और दिल्ली में हाल मेरी आपके सामने है। अच्छा, तब्दीली कैसी आई है? तब्दीली इसको अगर तब्दीली कैसे लाना चाहिए तब्दीली पे, क्योंकि अगर तब्दीली इसको नाम है तो उससे बेहतर एक आदमी पानी में जहर मिला के दे रहे लोगों को, ताकि वो ना होंगे, ना कोई इत्राज करेगा, ना कोई आपको जनन का मौका देगा। कुछ घरेलू खवातीन हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। गैस नहीं आती, गैस ना आने की वजह से परेशानियाँ क्या होती हैं? बहुत ज्यादा परेशानियाँ, एक दिन खाना बनाओ तो चार चार दिन वही खाओ, एक दिन साल में चार चार दिन वही खाओ, गैस आती नहीं। तो गैस नहीं आती तो वो खाना किस पे बनाते हैं? नहीं, कौन सिलेंडर रखे हुए हैं। अच्छा। सिलेंडर पे तो बिल पूरे ही आने हैं। अच्छा, बिल पूरा आता है? बिल पूरा आता है, गैस तो आती नहीं। हाँ जी, बिल पूरा आता है। अच्छा। और हम सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर का जो खर्चा है वो कितना हो जाता है? सिलेंडर का तकरीबन 1000 रुपया। कितने, एक दिन का? नहीं नहीं, 15 दिन 20 दिन, इतने दिन हो जाते हैं, 1000 रुपया खर्चा। उसके ऊपर सही से खाना बन जाता है? हाँ जी, खाना तो बन जाता है सही, लेकिन मुश्किल भी है कभी कोई आ जाए तो फिर इतना खाना तो नहीं ना बनता। हाँ, क्या आपको चॉइस करना पड़ता होगा कि जिसके ऊपर गैस कम लगे वो खाना बनाती होंगी, मेन्यू वैसे डिसाइड करना पड़ता? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल साग ऐसी चीजें वो सिलेंडर पे तो नहीं बनती, पाए भी नहीं बन सकते, पाए भी नहीं सिलेंडर पे बनते, इसलिए। कैसी परेशानी रहती है बेटा आपको? स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? यस, स्कूल जाते हैं हम। गैस नहीं आती, इतना मुश्किल होता है कि सारा दिन खाना पकाना, के फिर हम हल्की सी आग पे पहले ही रख देते हैं सुबह सुबह खाना, ताकि पक जाए, तो इसलिए गैस भी नहीं आ रही। सिलेंडर भी रखे हुए हैं कि ताकि सिलेंडर पे खाना। जो इलाके अच्छे हैं जहाँ पर इतने ज्यादा घर नहीं है, पोस्ट इलाके, वहाँ पे भी गैस नहीं है? की पता जाने इलाके जाने अपने घर ही, इतना कोई नहीं गैस आ रही। अच्छा। गैस नहीं आ रही। आप लोग सिलेंडर आप भी इस्तेमाल कर? सिलेंडर ही लाते। तो कौन भरा के लाता है, किस तरह से रूटीन, मतलब आप गैस का ना होना उसी से अपनी रूटीन डिसाइड करते हैं कि पहले सिलेंडर भर के लाना है, घर देना है, फिर पानी भी नहीं आता पीने का, पानी भी घर वाले जो है वो भर के फिर दफ्तर जाते हैं, इस तरह से रूटीन है सबकी? बहुत मुश्किल है, हमें रोजाना घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मिसेज को हम सुबह उठते ही कहते हैं भी लेके आओ खाना, लेके आओ नाश्ता, लेके आओ, मगर नाश्ता देने में वो मजबूर हैं, और उनको हमारे घर में रोजाना लड़ाइयाँ होती हैं। और जब से ये इमरान खान कहते हैं, ये जो इल्ज़ाम खान है, जब से ये आया इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम बहुत परेशान हैं, हर तरीके से गैस आ ही नहीं रही और बिजली भी नहीं आ रही, जबकि मियां नाशिव के दौर में हमें कोई मसला नहीं था, आराम से हम काम करते थे। अब हमें हर वक्त सिलेंडर एक हाथ में पकड़े होते हैं, दोनों हाथों में, और लेके आ रहे होते हैं जी गैस के, सुबह उठते ही गैस का मसला होता है। कोई सुनवाई, कोई सुनने के लिए आता है, कोई गैस का महकमे के लिए यहाँ पर आता है कि भाई गैस आ रही है कि नहीं? कुछ किया है यहाँ पर, खप भी डाली हमने, रोला भी डाला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम इतने परेशान हैं गैस से और नलके से, बिजली से, कोई हद नहीं। बिल पूरा दे रहे हैं, हर काम पूरा कर रहे हैं इनका, कोई हमारे आगे ये नहीं कर सकता बिल नहीं आया, पैसे नहीं जमा कराए। हम हर महीने जमा कराते हैं हर चीज़, ये मेरा मकान है, हम हर चीज़ जमा कराते हैं। हम इतने परेशान हैं रोटी पकाने से, खाने पकाने से, कोई हद नहीं। हम भागे जाते हैं, गैस लेके आओ, चाय पकाओ जी, फिर हम जाएंगे तो कर रहे हैं हम। अच्छा, हमने ये देखा है कि हमारे शहर में जो बुनियादी जरूरियात हैं उन्हीं के ऊपर जहन फंसा है, तो तरक्की क्या कब करेंगे हम? कोई तरक्की नहीं हो रही, किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही मैम। हाँ जी, जो हालात जैसे थे उससे भी बदतर हो गई है। हाँ, महीना जा रहा है, दूसरा महीना, अब दूसरा महीना जा रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, हम बहुत परेशान है गैस से। अच्छा,
एक तो गैस नहीं आ रही है नाजिन, ऊपर से जो ब्लैक माफिया एलपीजी की मद में यहाँ पर हुकूमत की रिट का जो मुंह चढ़ा रहा है। हम ओग्रा के ऊपर मुतादित प्रोग्राम कर चुके हैं, 113 से 115 रुपए जो पर केजी एलपीजी की कीमत है, वो भी इनसे पूछ लेते हैं कि जब ये घरेलू सार्फिन सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं तो कितने किलो गैस सिलेंडर में आती है, उसके प्राइस बताए। 160 रुपए किलो लाए हम, फिर 150 रुपए किलो लाए, अब 140 रुपए किलो हुई। ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत हुई? 160 रुपए हुई। 180 से लेके आए हम, मगर वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनवाई तो यहाँ है ही नहीं जनाब मोहतरम, वो जो है सुनवाई गैस की क्या होनी है, यहाँ तो 5 बंदे मार दिए उसके कोई सुनवाई नहीं है, जो कत्ल कर दिया है साहिबाल जो वाकया है वो छोटा वाकया है, हमारा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है उस वाकये पे भी, तो गैस को रोए या बंदों को रोए। इतनी मायूसी शहरियों के लिए, और शहरियों में इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी उसके बाद शहरी जो है वो रिलेट करते हैं एक इशू को दूसरे इशू से, तो यहाँ पर जब गैस की बात हो रही थी तो शहरी इतने मायूस है कि वो सानिया साहिवाल को बीच में इंटरलिंक कर रहे हैं कि उनको अगर इंसाफ नहीं मिला तो गैस के लिए इस इशू के लिए हमें कैसे इंसाफ मिल सकता है। आपके घर गैस की क्या सूरत हाल है? सूरत है बेटा, अभी 5000 का बिल आया, गैस तो है ही नहीं, और बिल भी आ गए, स्कूल के लिए बैठे रहो, नाश्ते के लिए कहाँ तक गैस भराए, किसी की नहीं है कि इतनी है, क्या किया जाए, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बस ऐसे बैठे रहते हैं, बाजारों से मंगा लिया, रोटी मंगा ली, नान मंगा लिए, चने मंगा लिए, तो सेहत भी खराब होती होगी। बिल्कुल बीमार है, शुगर के मरीज है हम, तो पेट की बीमारी है, इसे खाते हैं, कभी खा ली कभी नहीं खाई, ऐसे बैठ जाते हैं होते हुए भी। ठीक है नाजिन, कोशिश करेंगे यहाँ पे किसी के घर हम चलते हैं और अंदर की सूरत हाल, किचन की सूरत हाल क्या रहती है, क्योंकि हमारी जिंदगी का दारो मदार और स्पेशली जो लाहौरियों की जिंदगी का दारो मदार है वो खाने पीने पे ही चलता है, क्योंकि ये शहर का कल्चर है कि यहाँ के लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है, बड़े अहतमाम से सुबह के नाश्ते का अहतमाम, दोपहर के खाने और रात के खाने का अहतमाम किया जाता है। जब इसी की अदम मौजूदगी होगी तो शहरियों में किस तरह का इंतजार होता है, जरा ये हम आपको थोड़े से हकायक दिखाते हैं। नाज़रीन हमसे मुतादित प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑडियंसेस राब्ता करती हैं और आजकल जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें प्रोग्राम करने के लिए आवाम की जानिब से रिक्वेस्ट जो मौसूल हो रही हैं उनमें सर फहरिस्त जो टॉपिक था वो गैस का था। आप यकीन करिए कि आज जब गैस का टॉपिक हम लोग करने के लिए निकल रहे थे तो ऑफिस में जो टी बॉय हैं या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमारे अपने घर वाले ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे घर भी आया जाए, ये इशू घर घर का है और इसको जरूर हाईलाइट किया जाए। नाजिन ये नहीं कि अगर हम एंकर हैं और आप आम शहरी हैं तो शायद हमारे घर गैस आ रही हो और आपके घर ना आ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिला किसी तफरीक के तमाम शहर में ये जो लोड शेडिंग है गैस की ये जारी है और जिसकी वजह से लोगों को अजियत का सामना है। एक किचन में हम मौजूद हैं, सिलेंडर ये रखा है नीचे आप देख सकते हैं, इसको भरवाया जाता है और इसका अलग से बिल दिया जाता है भरवाने का, इसको इस्तेमाल करने का, और गैस का बिल अलग से आता है। सबसे पहले ना, क्योंकि हम मैं खुद भी कुकिंग बड़े शौक से करती हूँ और हमारे घर वाले में भी कुकिंग करते हैं, तो सिलेंडर इस्तेमाल करने में बहुत ज़हनी अज़ियत होती है, डर कितना लगता है, सिलेंडर फट भी जाते हैं तो फिर इस वजह से कभी बाजार से मंगवाते हैं कभी फिर सिलेंडर पे खाना बनाते हैं। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि सिलेंडर फट भी जाते हैं, हमारे यहाँ जो सिलेंडर बनाने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, गैर मियारी गुजरांवाला में सिलेंडर बनते हैं, सिलेंडर बनाने की फैक्ट्रियां हैं जिनके पास NOC भी नहीं है सिलेंडर बनाने का, ये वो तमाम सिलेंडर हैं जो कि शहर भर में इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है और ये नाकिस हैं और कभी भी ये फट सकते हैं, किसी भी जो नागहानी आफत है उसका बाइस बन सकते हैं। सुबह के टाइम भी नहीं आता था तो बच्चे से पूछो क्या नाश्ता करके जाते हैं, क्या नाश्ता करते हैं, हम सिर्फ ब्रेड करके जाते हैं और कुछ भी नहीं, दूध थोड़ा सा वो गर्म करते हैं, अब तो ये सिलेंडर है उस पर हम कर लेते हैं ज़्यादातर, गैस बिल्कुल भी नहीं आती, गैस बहुत थोड़ी आ रही होती है कि कोई चीज़ भी नहीं हम गर्म कर सकते, वैसे तो लोगों ने घरों में माइक्रोवेव भी रखे हुए उसके अंदर गर्म कर लेते हैं, वरना सिलेंडर पर गर्म करना पड़ता है। सर्दियाँ हो तो गैस नहीं है, गर्मियाँ हो तो बिजली नहीं है, इसी तरह की जिंदगी है।
जी इसी तरह की जिंदगी है, काफी अरसे से, काफी सालों से यही चल रहा है। जब हम नहाने जाते तो गर्म पानी नहीं आता, सिलेंडर पे गर्म करते कभी चूल्हे पे। इतने दिन हो गया हमें बाजार से रोटी खाते हुए, सुबह नाश्ते में हम बिस्किट कभी करके जाते, कभी ब्रेकफास्ट में वो करते हैं बिस्किट ब्रेड करते हैं, इसलिए काफी दिनों से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, हमारे जो घर है वो इस तरह से बिल्डिंग में नहीं है कि जो सिलेंडर है उसको आउटडोर रख लिया जाए और पाइप को किचन में दाखिल कर लिया जाए, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें। ऐसा भी नहीं है? ना ना, ऐसा भी नहीं है। और ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है ना, जब से सर्दी शुरू हुई है गैस आ ही नहीं रही, तो मुश्किल ही मुश्किल है। अच्छा, पिछले साल तो ये हुकूमत नहीं थी, पिछले साल सूरत हाल कुछ अच्छी थी या इससे बदतर थी? नहीं, थोड़ी अच्छी थी, इससे अच्छी थी। वो सिर्फ जब फुल सर्दी बहुत तेज जनवरी फरवरी में होती थी, फिर थोड़ी सी कम होती थी, लेकिन अब तो 6 माह हो गया। बिल की क्या सूरत हाल है? जो बिल वैसे ही पूरे आते हैं, बिल तो नहीं कम आते, बिल नहीं कम आते, बिल हाँ बिल पूरे आते हैं। उसको जमा करवाना पड़ता है ताकि कनेक्शन ना कट जाए? हाँ जी, जमा करवाना पड़ता है। वो जो आ जाए वो तो जमा, वो नहीं बात सुनते, वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं, तो कोई ऊपर और बंदे उनका काम है। इस सारी सूरत हाल की वजह से आपकी पढ़ाई कितनी मुतासर होती है? हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, गैस भी नहीं आती और लाइट भी चली जाती है। वैसे जब से इमरान खान आए, लाइट पानी गैस हर चीज़ का इस मुल्क में मसला बना हुआ है, हर चीज़। पहले आप लाइक करती थी इनको? नो, पहले भी आप लाइक नहीं करती इमरान खान को? नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने लूज लैंग्वेज यूज़ की, उन्होंने हमें सबज बाग दिखाया, उन्होंने हमें इलेक्शन से पहले सबज बाग दिखाया, उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने उन्होंने ये कहा कि हम गैस देंगे, बिजली देंगे, आपको पानी देंगे, सब कुछ देंगे, सारी सहूलतें देंगे, लेकिन हमें तो सहूलतें नहीं नजर आ रही, हमें तो इस मुल्क में सहूलतें नहीं नजर आ रही, ना गैस है ना पानी है। अब आप जिस भी घर में चले जाएं, किसी भी घर से, किसी भी फल से पूछ लें, ना गैस है ना पानी है ना लाइट है, हर कोई सिलेंडर पर खाना पका रहा है, हर कोई। अलावा महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई भी बहुत ज्यादा, हर चीज का डबल रेट है, खाने पीने की चीजों में भी और पहनने वाली चीजों में, कपड़ा जूते हर चीज का डबल रेट है। नाज़रीन, एक और घर में हम मौजूद हैं और ये फैमिली भी हमसे बात करना चाह रही है और कितनी परेशान है ये गैस के ना होने की वजह से, इन्हीं से हम जान लेते हैं। बाहर बैठी हैं आप, चूल्हा भी बाहर रखा है, ये बाहर क्यों रखा है आप? बस ऐसे भी क्या रहा, अंदर सिलेंडर डर लगता है, खुली जगह में इसलिए रखा है कि भाई गैस वैस का, वो मैं बीमार हूँ ना, मुझे जरा दिमाग पे चढ़ जाती है। एलपीजी लीक भी होती है, उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है, होती है, यकीन करो मैं बहुत बीमार, मैं तो चल भी नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से ये बच्चा मुझे वहाँ तक पकड़ के ले गया, मैं तो खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती हूँ, मैं तो दांत भी नहीं है, खाया भी नहीं जाता कुछ भी, रोटी भी बस खाली तो नहीं, रस डबल रोटी ऐसी कुछ खा लिया बस। तो ये किचन की सूरत हाल भी दिखा देते हैं, किचन में गैस है आपके? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है। देखिए हमारा सुबह का दूध निकला हुआ है, बच्चे भूखे हैं और हम दूध भी बॉइलिंग कर सकते हैं, इसको तो आपने गर्म करके देना होता होगा। जाहिर बात है, ऑब्वियसली ये बॉइल होगा तो वो पिएगी ना, ऐसे तो नहीं, वो देखने बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, सुबह का निकाल के बर्फ बना हुआ है, और चूल्हा तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जलाएं तो जलता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे खराब ही हो गया हमारे चूल्हे। हाँ, फिर इन्होंने बच्चे के लिए दूध रखा है ताकि बॉयल करके बच्ची को दें, आप ये देखें कि फ्रीज दूध है और वेट कर रहे हैं कि गैस आ जाए तो हम ये दूध को उबाल लें, तो गैस बिल्कुल भी नहीं है, कैंडल लाइट भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है मैम, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इतना टाइम हो जाता है कि बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकते, और ये देख लें बस मेरी छोटी सी बेबी है, और देख लें बस ये सुबह से बिल्कुल विदाउट मिल्क है, दूध भी नहीं पिया। हाँ जी बिल्कुल भी नहीं। कैसे मैनेज करेंगे, ओवन में गर्म करें? हाँ ऑब्वियसली ओवन में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और सिलेंडर को भी बहुत कम यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना। हाँ जी, और गैस इतनी महंगी है, जितने मर्जी अफोर्डेबल हो लेकिन इतना सिलेंडर तो कोई भी यूज़ नहीं करता ना। हाँ जी बस ये गैस का अलग से बिल आता है, और आप एलपीजी? बिल्कुल इतना बिल आया है, अभी भी हम लोगों का 3-5,000 से अबव आया है। हाँ बिल देख लेते हैं हम, इनका बिल भी आया है, और ये सिलेंडर रखा है, ये छोटा सा सिलेंडर आप इसको भरवाते हैं? हाँ जी जाहिर बात है, जितने मर्जी अफोर्डेबल हो लेकिन ये कि पैसे तो लगते ही है ना। ये आपका गैस का बिल है, करें और क्या कहते हैं सिलेंडर भी भरें तो ये हमारे लिए कितनी मुश्किल आते हैं। 3,100 रुपए मतलब 3,100 रुपए ये अभी गैस के बगैर है, मैं कहती हूँ अगर हम गैस यूज करेंगे तो पता नहीं कहाँ नौबत जाएगी।
ये सूरत हाल है नाजिन, ये छोटा सा सिलेंडर रखा है, चाय की पतीली ऊपर रखी है और ये सब लोग अपने सहन में बैठे हैं। डर लगता है खवातीन को कि जो सिलेंडर है वो फट ना जाए। पहले भी मैं प्रोग्राम में कोट कर चुकी हूँ, जो सिलेंडर है वो गैर मियारी है और इनका कोई NOC नहीं होता, कोई बनाने के लिए जो लाइसेंस है पर्टिकुलरली वो नहीं होता है। गुजरांवाला में ये गैर मियारी सिलेंडर बनते हैं और मुतादिद कारखाने हैं सिलेंडर बनाने के, धड़ाधड़ बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं।